तो हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। तो हो गई है सुबह। तो ये बच्चों के लंच में खाना बनाना था, तो फ्रिज में मैंने देखा तो ये तरोई पड़ी हुई थी, तोरी इसको बोलते हैं। तो मैंने सोचा लाइए आज यही बना लेते हैं, हरी सब्जी है। और आज सारे दिन में क्या है, कुछ भी नहीं, वही सारे काम होते हैं, वही घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को लेने जाना, काम करना, और यही सारे चल रहे हैं। थोड़ा सा बॉयल आलू रखा और अभी कद्दू रखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा ये तरोई बना लो, क्योंकि तरोई थोड़ा सा एक दो दिन हो गया था इसको रखे हुए, तो मैंने सोचा लाओ तरोई बना के रख लेती हूँ। तो ये मैंने एक दिन पहले शाम का लिया था, शाम को ही मैं छील कर रख रही थी। तो सब्जी जो है वो शाम को ही मैं काट के रख लेती हूँ, जैसे हरी सब्जी है, बाकी आलू वगैरह है उसको तो हम सुबह ही काटते हैं। सारी सब्जी से काट के इसलिए सुबह ज़्यादा टाइम नहीं होता है और थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, इसलिए सुबह टिफिन विफिन लगाना है बच्चों का, इसलिए काट के रात में मैं रख लेती हूँ। और आज बारिश हुई थी, काफ़ी ठंडा मौसम था, बच्चों ने खाना खा लिया था, सो गए थे, तो मैंने सोचा सुबह का जो थोड़ा सा काम है उसको निपटा लेते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? आप होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सब अच्छे से अपने काम निपटा रहे होंगे। तो ये मैंने अपना थोड़ा थोड़ा जो रूटीन है उसको मैंने शूट किया हुआ है, क्या किया सारे दिन, क्या नहीं, कहाँ गए क्या नहीं, वो सब आप आगे जाके वीडियो में देखेंगे। तो ये मैंने बाद में शूट करने के बाद डाला था, वॉइस ओवर किया था इसीलिए, क्योंकि सारे जो काम होते हैं वो काम करते जाते हैं और बाद में शूट करके दिखाते जाते हैं आपको कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी ही होती है, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन कहने को होता है कि क्या ही काम है हम लोगों के पास, और नहीं तो देखने को हो तो बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन बस वही है, जितना सीरियसली लेना चाहिए हम लोगों के काम को उतना सीरियसली लिया नहीं जाता है। लेडीज़ों को तो समझा जाता, अरे आप क्या ही काम करती हैं, लेकिन हमसे पूछिए, हम जानते हैं हम कितना काम करते हैं। घर के सारे कामों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है, बच्चों का नाश्ता, बच्चों का लंच, उनकी सेहत अच्छी है या नहीं, वो ठीक से खा रहे हैं या नहीं, उनका वर्क हुआ है या नहीं, काम ठीक से कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, कितने सारे काम हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है। और ये सारे देखिए, सुबह का लंच ये देखिए, इधर मिल्क गर्म हो रहा है इनके बच्चों के लिए, मैगी गर्म हो रहा है, और ये हम इनको देंगे बूस्ट पीने के लिए। तो सारा नाश्ता रेडी है और मैंने देखिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है इनके बच्चों के लिए, ये देखिए। तो ये ब्रेड ऑमलेट है, ब्रेड ऑमलेट और मिल्क थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है ऐसे, तो बच्चे कुछ भी खाते हैं ऐसे, जब हम लंच में देते हैं तो खा लेते हैं अच्छे से। तो चलिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं, बनाते हैं आपके। ये लो ब्रेकफास्ट, आप लोग करें दोनों लोग। ओके तो फ्रेंड्स, जा रहे थे हम लोग घर स्कूल से बच्चों को लेकर, और देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लगी, पानी आ रहा है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। खड़े हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का। देखिए कितनी तेज़ हो रही है बारिश। स्कूल से हम घर आ गए थे, उसके बाद भी बारिश देखिए हो रही है, थोड़ा सा सामान लेना था तो चेंज वेंज करके फिर से हम लोग निकल गए, और फिर से देखिए तेज बारिश होने लगी। थोड़ा सा ये सामान घर का लेना था, मिल्क है, दही है, पनीर है, और ये सारे चीजें लेनी थी हम लोगों को। तो फिर से पानी शुरू हो गया था और फिर से बरसते हुए थोड़ी थोड़ी बारिश में हम लोग बस जा रहे थे, सिनेमैटिक आ रहा है, ये निकल गए हैं।
हैं हम लोग, ले लिया है सामान, पानी थोड़ा सा बंद हुआ तो मैंने सोचा आप चलिए निकल लें घर जाने के लिए। तो यही हम लोग बस घर जा रहे हैं और ये पीछे से शूट किया है वंशु ने। तो मैंने ये बाम निकाला है, इसको लगाएंगे। सुबह से ही दर्द हो रहा है, चाय मैंने पी ली है बनाकर और बाम बहुत अच्छा थोड़ा सा लगता है लेकिन है बहुत अच्छा, इससे आराम मिल जाता है। तो सारे काम हो गए हैं, खाना वाना मैंने बना लिया था, सर में मेरे दर्द हो रहा है। टीवी की वॉल्यूम कम करो, टीवी बहुत तेज चल रहा है, लोग देखिए किसका ब्लॉग देख रहे हैं। सबा इब्राहिम, इब्राहिम फैमिली के मेरे यहाँ सभी बहुत बड़े फैन हैं। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, सर थोड़ा सा आराम मिल जाए, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये दवा है, लो दवाइयाँ खाओ, उनको आज फीवर आ गया है, ये लो पानी, दवा खा लो भैया, खा लो। फिर ये काट के देंगे, लैपल काट देते हैं, ये खा लो। और ले लो दूसरे हाथ में ले लो। तो अभी इसको सेब दे रहे हैं, इसने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो ये एप्पल इसको दे रहे हैं काट कर। ये देखिए पुराने टाइप का। तो रात के खाने में देखिए वंशु ने कहा कि मम्मी तहरी खाने का मन है, तो मैं वही तहरी बना रही हूँ। ये सरसों का तेल डाला, उसमें थोड़ा सा हींग, जीरा और थोड़े से खड़े मसाले जो होते हैं, तेज पत्ता, काली मिर्च और थोड़ी सी उसमें दालचीनी डालकर, और ये लहसुन और अदरक को मैंने पेस्ट बना लिया है, ये डाल दिया है। और इसी में मैं आलू डाल दूँगी, आलू थोड़े से मैंने काट के रखे हुए हैं। थोड़ी सी इसमें मटर डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऊपर से ही हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर देंगे। ये जितनी भी वेजिटेबल्स जो घर में रखी हुई थी उसी से मैंने बना दिया। और इसको तहरी बहुत पसंद है खाने में, तो ये जब भी बोलती है चावल की, तो वैसे भी बहुत शौकीन है, तो हमेशा बोलती है मम्मी कुछ ना कुछ बना दो चावल का, या तो तहरी बना दो या पुलाव बना दो। तो वही मैंने कहा कि चलिए आप तहरी बना लेते हैं, ज़्यादा भूख थी नहीं किसी को, निश्चित को खाना नहीं था क्योंकि उसको फीवर था, तो थोड़ा थोड़ा खा रहा था खाना, और उसने खाने में कुछ ऐसा खाया नहीं, एप्पल लिया, थोड़ा सा मिल्क लिया है। तो ये मैंने बस तहरी प्रिपरेशन कर दी, अभी आगे देखिएगा ये आपको फीडबैक देगी इसको तहरी कैसी लगी बताएगी। ये मैंने बस एक कटोरी थोड़े चावल ले लिए, ये चावल डाल दिया, इसमें चला देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम प्रेशर लगा देंगे कुकर में, तो ये तहरी बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत टेस्टी होती है, वैसे तो मम्मी के हाथ का सारा खाना ही बहुत टेस्टी होता है, पर तहरी बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद है, इसलिए मैंने आज मम्मी से कहा है कि तहरी बनाइए, तो तहरी बन रही है। और निश्चित यहाँ पर सो रहे हैं, देखिए इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ये भी रेस्ट कर रहे हैं। हेलो हेलो, एप्पल वन एप्पल की जब तहरी बन जाएगी खाते टाइम हम आपको दिखाएंगे, मम्मी की तहरी इतनी ज़्यादा यम्मी होती है, हम सब आपको खाते टाइम बताएंगे कैसी बनी है। इसलिए सब तक के लिए बाय। तो ये देखिए मम्मी ने तहरी बना ली है और हमें दे भी दिया खाने को। उठ जाओ निश्चित,
चेरी। तो जैसे कि आपने देखा था तो मेरे कलेक्शन चला जाएगा, पास नहीं आ रहे वो लड़के। कैमरा हाथ में ले आई है हमारे लिए तहरी, बन चुकी है और अब हम इसे खाने जा रहे हैं। तो खा के बताएंगे फिर कैसी बनी है आपको। वैसे तो अच्छी, तो अब हम खाते हैं। बहुत ज़्यादा, अगर आपको भी इतनी ज़्यादा टेस्टी वाली तहरी खाई है तो मम्मी की रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिए और वीडियो बनाइए। तो बज गया है अभी 9:30 और ये आराम कर रहे हैं, खा रहा है लेटे लेटे एप्पल। मिलते हैं आपसे आगे गाइस। इनके स्केट्स आ चुके हैं, इन्हें ये देख के कितने खुश हैं। ये देखिए मम्मी बैठी हैं। चलो अब इसको अनबॉक्सिंग करिए। बोलो। चला के अभी दिखाने हैं आपको ये, अगर ना चला पाए तो ये वापस हो जाएंगे। ये देखिए बहुत भारी। ये गार्ड गार्ड्स है। अरे यहाँ पे और एल्बो गार्ड्स। एल्बो गार्ड्स ये खाली डब्बा। अब पैन के हमारे भी आ ही जाएंगे। खोलिए से भाई सिनेमैटिक में। अरे स्ट्रेट रखो। अरे 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 हाथ छोड़ो, हमारा हाथ छोड़ो। हाँ।